Hello students, welcome back to all of you. In this lecture we will discuss this is a basically second lecture for chemistry, right, of class 12, where before in the first lecture we were discuss about on the topic known as on the chapter known as basically D and F block, right? And the last topic which we were already discussed in the next in the last you can say last lecture, that is called as ionization enthalpy, right? We will discuss about and talk something some facts on ionization enthalpy, like how it increase as well as how it decrease in the transition elements as well as in as well as for you can say inner transition elements, right? And for medical exam point of view, you should have to know something fact like any kind of small thing which you are seen in the NCERT book, that all are very very important for exams point of view, right? So you never neglect any point, or you can say any small point from NCERT book, especially if you are talking about chapter known as inorganic chemistry, right? So इसीलिए हम लोगों का फोकस है यहाँ पे कि एनसीईआरटी को पहले कवर किया जाए. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आपको पता है यू ऑलरेडी विल नो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी यू शुड फॉलो बिफोर स्टार्टिंग और सीन माय लेक्चर्स, राइट? जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले एनसीईआरटी बुक ओपन करनी है. मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, पेज नंबर है हम लोग पढ़ेंगे 8.3.10, ठीक है? दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड. और यहाँ पर मैंने केमिकल रिएक्टिविटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को छोड़ दिया है. मैं इसको भी लास्ट टाइम में इस लेक्चर के एंड अप में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो होगा वो आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, राइट? सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर दिस लेक्चर, राइट? पेज नंबर 224. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. सो फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं तो उसके ऊपर एक टेंडेंसी होती है, क्वालिटी यू कैन से प्रॉपर्टी होती है कि ये इसके कंपाउंड जो होते हैं वो कलर शो करते हैं. वाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, यस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीडी ट्रांजिशन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दियर शेल, ठीक है? और ये तो डी ब्लॉक के, तो ऑब्वियसली डी सब शेल में ही होंगे, ठीक है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू द, और इनकी टेंडेंसी भी होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करने की. तो ये सिर्फ कलर नहीं शो करते हैं एज वेल एज ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, ठीक है? इतना सा सीवीएच पूरे आप ये कह सकते हो जो फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड करके जो टॉपिक दिया हुआ, इसका पूरा आंसर बस इतने ही पॉइंट से मेरे सॉल्व होता है, ठीक है? ज़्यादा लेंथी नहीं, आपको बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. ये नहीं कि पूरा पढ़ लो फिर से उसके फिर भी आपको ना समझ में आए, दो बार पढ़ते ही भूल जाओ, ठीक है? ऐसा नहीं करना है. तो हम लोगों को समझ में आ गया क्यों होता है, इसका रीज़न पता होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है? रीज़न मैंने आपको बताया कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज वेल एज डीडी ट्रांजिशंस, राइट? और यहाँ पे जो कॉन्फिगरेशन एग्जांपल कलर जो दिया हुआ है, इस सबको आपको याद रखना है. जैसे कि 3D1 जो टाइटेनियम होता है 3+ अगर स्टेट में होगा तो वो पर्पल कलर शो करेगा. वेरिडियम प्लस अगर +4 स्टेट में है तो ब्लू कलर शो करेगा. ये नहीं, एग्जाम्स में क्या होता है, नीट अगर नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो देखो इसमें वेरिडियम +4 में, यदि वो +3 अगर वो +1 में बात करेगा, जबकि ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है. आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी आंसर दे क्वेश्चन दे देता है जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, लेकिन वो सिर्फ ये चेक करना चाहता है कि आपको पास आप उसको रट्टा मार के पढ़ो कि आपका कंसेप्ट क्लियर है. कंसेप्ट क्लियर होगा आप डायरेक्ट उसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, राइट? तो ऐसे समझना है, ठीक है? टाइटेनियम +3 होगा तो वो पर्पल कलर का होगा, और वेनेडियम +4 होगा तो ब्लू कलर का होगा, राइट? एक्चुअली हियर द टाइम इज गोइंग ऑन अराउंड 12 o'clock, राइट? सो इट इज़ नॉट अ माई टाइम टू, इट इज़ अ बेसिकली माई टाइम टू स्लीप, राइट? सो बट स्टिल आई एम मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग और एनी अदर टाइम्स, राइट? सो दैट्स वाई आई एम हेयर टू मेक वीडियोज़ फॉर यू एंड जस्ट डू वर्क हार्ड एंड जस्ट राइट नॉट ओनली डू वर्क हार्ड एक्चुअली यू शुड हैव टू डू वर्क विद स्मार्ट वे, राइट? And if you will have any kind of doubt, then please write down. I will definitely help you, right? And because I just, here my motto is only that I just want to make a kind of platform on which those students who are study with their own self, right? So that they will get more benefit from this channel especially. So, right? Because this is not a my channel. This is a channel for you only, right? For you all. बेसिकली सो राइट ऑन. सो जस्ट ट्राई टू शेयर विद दिस वीडियो बिकॉज हेयर मुझे यहाँ पे कोई नहीं बेनिफिट मिल रहा है. यहाँ पे मैं अपना प्रीशियस टाइम मैं निकाल के आप लोगों को दे रहा हूँ, तो प्लीज़ इसकी वैल्यू को समझो और शेयर करो, क्योंकि मैं जान ठीक है.
सो ज़्यादा नहीं बात करते इस पर, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो वेनेडियम यदि प्लस फोर स्टेट में होगा तो ब्लू कलर शो करता है, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो ग्रीन कलर शो करेगा, और यदि वो प्लस टू स्टेट में, नॉट अ प्लस वन, प्लस टू स्टेट में होगा तो वो वायलेट कलर का शो करता है। ठीक है, ये तीनों वेनेडियम को याद करने, आपको तीनों स्टेट में जो जो रहता है अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है, एक कमाल की बात आप कह सकते हो ये, राइट। तो इन सबको आप याद, ज़्यादा नहीं याद करना है वेनेडियम, देखो जो जो स्पेसीज में बोल रहा हूँ उसको पहले याद कर लो। वेनेडियम की तीनों स्पेसीज याद होनी चाहिए, प्लस फोर, प्लस थ्री, प्लस टू, दैट इज़ ब्लू, ग्रीन, वायलेट। आप कैसे याद करो, BGV। ठीक है, आप अपने अपनी आप ट्रिक बना सकते हो जिससे आप याद करता पाओ, क्योंकि मैं हर हर चीज़ के लिए मैं अपने से ट्रिक बनाता था। अब ये मैं नहीं शेयर कर सकता क्योंकि सब लोगों के लिए वो फिट नहीं हो सकती, सब पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो V4 V3 ये वेनेडियम का हो गया। ठीक है, और टाइटेनियम प्लस थ्री स्टेट में होगा तो पर्पल कलर का होगा, इसको भी आपको लिख लेना है। ठीक, और जिंक जो होता है वो कलरलेस होता है, क्यों होता है ये, अगर ये बहुत इसका सिंपलेस्ट वे से आंसर आ सकता है। ठीक है, आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वाई जिंक की, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, लिख लीजिए क्वेश्चन मार्क डाल करके, वाई ZN प्लस टू डज नॉट शो एनी कलर, राइट, गिव रीज़न। ठीक है, आपको ये रीज़न में बताना है मुझे, अगर हो पाए समझ में आया तो, क्योंकि देखो ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे है इसका आंसर है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छी बात तो यही होती है कि इसका दो से तीन टॉपिक यदि आप पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बेस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। जैसा मैंने आपको बता दिया है कि कलर क्यों शो करते हैं, इसीलिए शो करते हैं कि वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका आंसर वही है एक्चुअली। ठीक है, और जब वो प्रॉपर्टी जब ये शो नहीं करते, इसीलिए ऑब्वियसली बात है कि तभी वो कलर शो नहीं करते होंगे। ठीक है, ओके, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो मैंने बताया था, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है, वैकेंसी, दैट इज़ वाई दे कैन शो विद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन द सेंस वॉट, इनके पास क्या टेंडेंसी होती है टू फॉर्म वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स वाई दे कैन शो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं इंटरस्टीशियल कंपाउंड की, क्लियर, ओके। तो इसमें चार पॉइंट दिया हुआ है, 8.3.13, ठीक है, उसको पढ़ लेना, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है उसको, दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट इज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल करेक्ट है, हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल, प्योर मेटल से ज़्यादा इनके पास हायर क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, दे हैव, ये हार्ड होते हैं, बोराइट्स होते हैं, अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस, राइट, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, ये मेटेलिक कंडक्टिविटी को रिटेन कर देते हैं, और इनके पास ये केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते। तो मेरा मेन कंसेप्ट क्या था, इन सब टॉपिक से डिस्कस करना है एलॉय फॉर्मेशन, जो कि अब आ चुका है, इसको स्टार मार्क कर लो और इसको समझो। बेसिकली जो एलॉयस होते हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं, वो बेसिकली तभी फॉर्म होंगे जब ये बेसिकली होमोजीनियस सॉलिड से बनते हैं। ठीक है, होमोजीनियस का सॉल्यूशन क्या होता है, देखो सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, ये आपको सॉल्यूशन चैप्टर में पता चलेगा, जो कि फिजिकल का चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली उसमें मिलेगा आपको होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन बेसिकली सिंपलेस्ट वे से समझो तो ये होता है कि जैसे किसी भी आप लिक्विड को लेते हो, से फॉर एग्जांपल यदि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है, तो वो आप कहीं से भी आप उसका एक सेप लोगे तो वो क्या होगा, आपको एक प्रॉपर अमाउंट में टेस्ट मिलेगा, ये नहीं कि आप उसका टेस्ट जब आप लास्ट में पियोगे तो डिफरेंट होगा, स्टार्टिंग में पियोगे तो डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसका हर एक लेवल पे सेम टेस्ट आता है, उसी को कहते हैं, दैट इज़ नोन एज होमोजीनियस सॉल्यूशन और होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये होमोजीनियस सॉलिड से सॉल्यूशन से बनता है। ठीक है, इसका मेन पॉइंट ये है कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट 2019 एंड फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, व्हाट इज अलाइव, राइट, मेंशन विद एग्जांपल। तो एग्जांपल पे आपको क्या देना है, फेरस एलॉयज जो होते हैं, यानी कि आयरन के एलॉयज जो होते हैं वो बहुत कॉमन होता है। अब देखो यहाँ पे फेरस, इसका क्या सेंस हुआ, टिप से याद करो कि फेरस जो होता है, आयरन जो होता है, बेसिकली दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वन इज़ कॉल्ड प्लस टू एंड सेकेंड इज़ प्लस थ्री। जो प्लस थ्री होता है उसको फेरिक बोलते हैं, जो प्लस टू होता है उसको फेरस बोलते हैं। इसी पे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, और एक्चुअली मैं खुद क्लास जब मैं 2018 में नीट का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था। ठीक है, और आयरन का वो क्लास नीट में बायोलॉजी में क्वेश्चन आया था एक्चुअली, तो इट वॉज एक्चुअली आस्किंग अबाउट व्हाट इज़ द आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो वो वहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर से क्वेश्चन में बात करें तो वो फेरिक में फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आयरन। ठीक है,
लेकिन हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे फेरस और फेरिक में बहुत ही, मेरे कहने का सेंस ये कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि कौन से, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल है। यदि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता है तो आप सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है, इसीलिए ये फेरस है, ठीक है। तो फेरस अलॉयज जो होते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं, एग्जाम्पल है, ठीक। और बराज जो होता है, बराज जो होता है वो कॉपर एंड जिंक अलॉय का बना होता है। और ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर टिन, यानी कि दोनों में कॉपर कॉमन है, ठीक है। जब टिन आएगा तो वो ब्रॉन्ज हो जाएगा, जब जब जिंक आएगा तो वो ब्रास हो जाएगा, क्लियर। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड ऑक्सोनेंस ऑफ मेटल। तो ये सब बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजीज है बेसिकली, मैं बोलूँगा, क्योंकि ये, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो है इसका फॉर्मेशन, जैसे प्रिपरेशन बेसिकली, ठीक है। वो आपको मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में, 3 to 4 मार्क्स से, ठीक है, वो कैरी कर सकता है। उसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो एग्जांपल दिया हुआ, व्हाट इज मीन बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट गिव एन एग्जांपल, तो ये आपको पूरा पढ़ ले, आपको एक बार देख लेना है इसको, ठीक है, और नोट डाउन कर लेना है। तो ये सब देखो, इनऑर्गेनिक में सबसे अच्छी बात ये कि आपको सिर्फ कुछ ज़्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप यहाँ से वीडियो लेक्चर देखो, दो बार एनसीईआरटी पढ़ो, आपका मोर देन इनफ हो जाएगा, मोर देन इनफ, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात हुई कि आपका इनऑर्गेनिक भी कम पोर्शन नहीं कवर करता है, बहुत अच्छा वेटेज होता है इसका एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और नीट और एम्स में भी बहुत अच्छा वेटेज होता है, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत ही ईजी इसमें भेज जाते हैं, बस कंसेप्चुअल होते हैं, ओके। मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज देखो, ऑल द मेटल एक्सेप्ट इट्स कैंडियम। देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आया ना, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन बहुत मिलेंगे आपको, इसी को ही आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो एकदम इसको हाईलाइट भी नहीं किया है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो सिर्फ रीड करते हैं समझते नहीं है वो भूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्सेप्शन क्या है, स्कैंडियम, यानी कि 21 एटॉमिक नंबर होता है, वो क्या फॉर्म करता है, वो एमओ ऑक्साइड्स विच आर आयोनिक ऑक्साइड को फॉर्म करता है। कौन फॉर्म करता है, वो होता है स्कैंडियम, ठीक है। पॉइंट में लिखो यहाँ पे कि ओनली ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट यस स्कैंडियम फॉर्म एमओ ऑक्साइड विच आर एसिडिक, क्लियर। ये पॉइंट लिख लिया यहाँ पे, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज, देखो एज द ऑक्सीडेशन, एक और पॉइंट लिखो, एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मेटल इंक्रीजेस, जब किसी भी मेटल मतलब कौन से ग्रुप में आपको मिलेंगे, दैट इज ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड स्पेशली, राइट। तो जब ये जो मेटल्स होते हैं, जब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो इनकी कौन सी कैरेक्टर रिड्यूस्ड होती है, वो होती है आयनिक कैरेक्टर। यानी आप ऐसा लिख सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर शॉर्ट में ON इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यस दैट इज आयोनिक स्टेबिलिटी और आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। तो इस पे बेस भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ओके। मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट इज नोन एज, देखो वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, दैट इज V2O5 जो होता है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर में होता है। एग्जाम में नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वहाँ पे आपको ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्फोटेरिक कंपाउंड और एम्फोटेरिक इन नेचर, राइट। तो वो V2O5 होता है, जिंक के भी कंपाउंड जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो आपके एम्फोटेरिक होते हैं, लीड के भी होते हैं, राइट, ओके। सो मूव ऑन द नेक्स्ट, नोन एज, देखो Cr2O3 क्रोमियम ट्राइक ऑक्साइड, Cr2O3 बेसिकली क्रोमियम का ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, एम्फोटेरिक। तो जितने पॉइंट डाल के लिख लो, V2O5 Cr2O3, ठीक है, V2O5 Cr2O3 एम्फोटेरिक। बेसिकली मैं इसका भी एक लेक्चर लूँगा अलग से, जिसमें ये सब एसिडिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक कंपाउंड्स को शो करूँगा, लेकिन अभी के लिए जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे सिर्फ ऐसे ही लिख लो कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बना रहे, ठीक है। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एंड Cr2O3 आर एम्फोटेरिक, राइट। और बेसिक में लिखो नेक्स्ट पॉइंट में कि CrO क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है, CrO वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक, ओके। अब लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, पोटेशियम डाइक्रोमेट हेडिंग डाल लो। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल हो जो होता है ये, इसका यूज़ हम लोग लीदर इंडस्ट्री में करते थे। वो ये सब पढ़ने की सी बात है, आप इसको रीड कर लो, क्योंकि इसका मेन कंसेप्ट क्या है आपका, कि ये एक आप कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है।
आप इसका यूज़ किस तरह से करते हो, ठीक है, इसका केमिकल आउटपुट क्या है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स में उसके उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। देखो एक कॉमन एक क्वेश्चन इस पर बन सकता है जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नेग्लेक्ट कर देंगे, वो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। इट कैन बी आस्क लाइक इन एग्जाम्स लाइक मेडिकल, राइट, इसमें बहुत लेंथी नहीं पूछेगा कि इसका वर्किंग फंक्शन क्या है, वो सिर्फ इतना पूछेगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड दे दिया, राइट, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो मैकेनिज्म दिया हुआ है, बेसिकली केमिकल रिएक्शन जो दिया हुआ है, Fe(CR2O4) प्लस 8 ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट, टू गिव द प्रोडक्ट 8 ऑफ Na2CrO4 प्लस 2 Fe2O3 प्लस 8 ऑफ CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसको याद रखना, इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको फाइंड आउट करके रखनी है क्या क्या होता है। जो नेचुरल स्टेट होती है ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड और मेटल एलिमेंट, दैट इज शुड बी जीरो, क्लियर, हमको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना आना चाहिए, बहुत ही ईजी एंड इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरा था बताने का वो ये था कि यस, जो देखो सोडियम क्रोमेट जो होता है दैट इज Fe(CR2O4), राइट, वो कौन सा कलर होता है, वो सॉल्यूशन शो करता है येलो सॉल्यूशन। बेसिकली एग्जाम में डायरेक्टली ABC करके भी आ सकता है एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज और ये कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट डालकर लिख लो, येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, राइट, इज फिल्टर्ड, सिर्फ इतना लिखो, ठीक है, सोडियम क्रोमेट तक लिख के फुल स्टॉप, क्लियर। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनता है तो ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट यानी कि Na2CR2O7, एक नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो Na2CR2O7 इज अ ऑरेंज कलर, राइट, एंड इट इज कॉल्ड एज दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज सोडियम डाइक्रोमेट। इसको छोड़ दो, आप सिर्फ इतना लिखो Na2CR2O7 इज ऑरेंज इन कलर, राइट, बस। अब आपको लिखना है, आई थिंक इट इज इनफ फॉर दिस लेक्चर, पोटेशियम, ठीक है, इसके पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनर ट्रांजिशन ए ब्लॉक को डिस्कस करेंगे, राइट। तो पोटेशियम परमैंगनेट में क्या होता है, इसका बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आना चाहिए, कितना होता है मुझे पता है, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ राइट डाउन इन माई कमेंट बॉक्स व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, राइट, इन पोटेशियम परमैंगनेट। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि सर यहाँ पे के की ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं पूछी या फिर ऑक्सीजन, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं, राइट, ये भी एक कंसेप्चुअल है। तो यहाँ पे देखो एक और पॉइंट लिखो पोटेशियम परमैंगनेट हेडिंग डालकर, और वो ये है कि ग्रीन कलर जो होता है डार्क ग्रीन वो क्या होता है, K2MnO4 होता है, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो डार्क ग्रीन कलर का होता है, क्लियर। और जो है ये डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन को शो करता है, बेसिकली एक डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है, जब साइमल्टेनियसली दोनों होगा तो उसको आप डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन बोलते हो, ठीक है। KNO3 एक और पॉइंट लिखो, KNO3 राइट, पोटेशियम नाइट्रेट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। फिर लिखो, नहीं बस इतना सा बहुत है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज लिख लो आप, यस, MnO2 नेक्स्ट पॉइंट से MnO2 राइट, एक एरो लगाओ उस पर लिखो जो कि बेसिकली NCERT में दिया हुआ है, इसको लिख लो सी लास्ट पॉइंट में, दैट इज MnO2 फ्यूज विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीडाइज विद एयर इन और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, राइट, ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऐसे भी एग्जाम में नीट में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अगर इसमें ये ऑप्शन रहेगा तो ये भी करेक्ट हो सकता है। हालांकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बहुत सारे होते हैं, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे भी एक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, राइट, कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर। तो जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे दैट कंपाउंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द सब्सटेंस विच सेल्फ रिड्यूस, राइट, इट मीन्स इट इज ऑक्सीडाइज इन फ्रंट ऑफ दैट कंपाउंड, राइट, एंड दैट आर बेसिकली कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द सब्सटेंसेज और कंपाउंड विच सेल्फ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस द फ्रंट कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज दे आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज वो सेल्फ रिड्यूसर है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब सामने वाले को रिड्यूस करेगा तो वो कंपाउंड कैसा होगा, यदि रिड्यूस किया तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो लास्ट है MnO4 2- दैट इज मैंगनेट से परमैंगनेट में कन्वर्ट करता है, क्लियर। नोट पॉइंट डालकर एक नोट लिख लो, फिर लेक्चर को एंड अप करते हैं। दैट इज परमैंगनेट
titration is in presence of hydrochloric acid, that is HCl, right, are unsatisfactorily, since hydrochloric acid is oxidized to chlorine, which means इसको यहाँ पे हेडलाइन कर लेना, ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन होता है, ठीक है. सो नाउ कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, क्लोरीन में. सो नाउ थैंक यू वेरी मच, दिस इज मोर देन इनफ फॉर दिस सेशन, राइट. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन और नेक्स्ट लेक्चर, राइट. सो फॉर दैट यू शुड, यू गाइज हैव टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, राइट. सो नाउ थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.